कक्षा 11 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम श्रेणी क्वेश्चन नंबर 8-1 किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद 7 है और 17वां पद 25 है तो 13वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है तो t5 = 7 a + 5 - 1 × d = 7 a + 4d = 7 पहली समीकरण आ गई। t17 = 25 a + 17 - 1 × d फार्मूला लगा दिया हमने = 25 a + 16d = 25 समीकरण नंबर एक या समीकरण नंबर दो दूसरी में से समीकरण नंबर पहली को घटा देंगे। a + 16d = 25 a + 4d = 7 हमने इसको माइनस कर दिया a से a कट गया 16d - 4d = 12d 25 में 7 गए 18 d = 18/12 6 से कट गया 36 18 36 12 डी का मान 3/2 आ गया। समीकरण नंबर एक में रखने पर डी की जगह यहाँ 1/3/2 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा a + 2 से पार्ट देंगे 2 × 4 कट गया 3 × 2 = 6 6 को उधर ले गए a का मान आ गया 1। तो अब हमें डी पता लग गया कितना है डी हमारे क्वेश्चन में कितना है डी है 3/2 और ए पता लग गया कितना है 1 और हमें निकालना है 13वां पद ये लिखा हुआ है 13वां पद तो 13वें पद में a + 13 - 1 × d a + 12 - 1 वो 13 - 1 = 12 आ गया। डी की वैल्यू 3/2 2 से काट दिया 2 × 12 एक जुबादू प्लस जुबादू 36 18 18 19 13वां पद 19 है। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8-A है। इसमें कुछ दिक्कत रह गई थी पहले बच्चों को उसके लिए उनके बताने में दोबारा उनको बता दिया गया। आप अपने क्वेश्चन करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी वीडियो से अपना काम लगातार पूरा करते रहिए।